टीए गुरुजी चैनल, मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। जी हाँ, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म इंसर्ट हुआ है जीएसटी में। किस लिए हुआ है, क्या है पर्पस, क्या नोटिफिकेशन आई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। और बहुत ही बड़ा चेंज है, आप सभी को पता होना चाहिए, और जानेंगे क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपको अच्छी लगे तो ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो को दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे आपके सामने है वो नोटिफिकेशन जिसमें आई है आपके लिए बड़ी खबर। ये नोटिफिकेशन का नंबर है 31/2019, जो इशू हुई है 28 जून को। और इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, पर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो डिस्कस कर रही हूँ, और सभी अमेंडमेंट सेपरेट वीडियोज के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस नोटिफिकेशन में हमें नीचे जाना है, बढ़ना है पॉइंट नंबर 9 में। मैंने इसे हाईलाइट भी किया है। पॉइंट नंबर 9 है फॉर द रूल 87 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। रूल 87 क्या है पहले आपको वो बताना चाहूंगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रूल 87 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसे पूरा मैकेनिज्म दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, और इसमें जो रूल्स है वो है नंबर्स में 12, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 तक के रूल्स है। अब इसी रूल नंबर 87 में एक और रूल इंसर्ट हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है। तो 9th पॉइंट के सी नंबर में लिखा है आफ्टर सब रूल 12। अभी मैंने आपके साथ शेयर किए 12 सब रूल्स, तो इसी में लिखा है सी पॉइंट में आफ्टर सब रूल 12 विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। जो हमें डेट नोटिफाई की जाएगी बाद में कि ये कब से इफेक्टिव होगा, एक सब रूल इंसर्ट होगा। सब रूल क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जो सब रूल रहेगा 13 वो होगा रजिस्टर्ड पर्सन। कौन पर्सन? रजिस्टर्ड, जो जीएसटी में रजिस्टर है। मे ऑन द कॉमन पोर्टल, कहां पे? जीएसटी पोर्टल पे। क्या कर पाएंगे? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर पाएंगे? एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। तो यहां पे क्या बताया गया है कि आप कोई भी अमाउंट जो है टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फी का, एनी अदर अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है किसी भी हेड में, चाहे वो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूजीएसटी है। किसके थ्रू? आपको इसके लिए फाइल करना होगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09, और इसका भी फॉर्मेट हमारे साथ शेयर हो गया है। तो इससे क्या होगा, आपकी कौन सी उलझन दूर हुई? बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, आईजीएसटी पे करना था सीजीएसटी कर दिया, सीजीएसटी करना था एसजीएसटी कर दिया, इंटरेस्ट करना था लेट फी कर दी, पेनल्टी करना था टैक्स कर दिया। इस तरह की गलतियों की वजह से बड़ी दिक्कत होती थी टैक्स पेयर्स को, क्योंकि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि हमने अगर किसी गलत हेड में पैसा डाल दिया तो हम उसे सेट ऑफ कर सके बाद में, या एडजस्ट कर सके, या ट्रांसफर कर सके। तो आपके लिए ऑप्शन दे दी गई है ट्रांसफर करने की। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज, मुझे लगता है काफी अच्छा रिलीफ है। ऐसी गलतियां जीएसटी आने के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हुई थी, और अब आपके लिए रिलीफ के तौर पर आ गया है फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। दिस इज वेरी वेरी बिग न्यूज, तो और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फॉर्मेट जो इसी नोटिफिकेशन में दिया है। ये है फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 फोर किसके लिए? रूल 87 के सब रूल 13 के लिए। और रूल 13 जैसे ही इंसर्ट होगा उसे कब से इफेक्ट करना है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा अलग से। इसकी हेडिंग होगी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं आप? अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो हर एक फॉर्म में ऊपर तो आप ही की डिटेल्स होती हैं, इस फॉर्म में भी होंगी। नंबर 5th पॉइंट पे इसमें क्या होगा? डिटेल्स ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर अकाउंट। आपको इस टेबल में भरना होगा कि किस अमाउंट को आप कौन से हेड से कहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां पे आपके पास दो टेबल्स होंगी, जो होंगी तो बिल्कुल सिमिलर। एक होगी जहां पे आपके पास अमाउंट अवेलेबल होगा कैश लेजर में, और दूसरा होगा अमाउंट ट्रांसफर के लिए कि वहां से कौन से हेड में आपको ट्रांसफर करना है। दो तरह के हेड होंगे, मेजर और माइनर। मेजर होते हैं आपके टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, और माइनर है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या अदर, और उन सभी का टोटल। तो उनका जितना अमाउंट अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा, फिर आप जहां भी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके आगे अमाउंट ट्रांसफर लिख दीजिएगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दी है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना होगा। नीचे वेरिफिकेशन जैसे आप अभी भी करते हैं हर एक रिटर्न की, वैसे ही रहेगी। इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। पहला रहेगा मेजर हेड, मैंने बता दिया आपको कौन से होंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड सेस, और माइनर होंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर। थर्ड रहेगा तो फॉर्म मे बी फिल्ड अप
If amount from one major या minor head is intended to be transferred to another major or minor head for transfer of amount may be same or different. और minor head जो transfer हो रहा है उसका amount same भी हो सकता है और different भी हो सकता है. Fourth point में लिखा है the amount from one minor head can also be transferred to another minor head under the same major head. And नीचे लिखा है amount can be transferred from the head only if balance under that head is available at the time of transfer. ये तो obvious है, ये तो होगा ही. तो अगर आपके पास available होगा balance तभी आप transfer कर पाएंगे. तो इस mechanism से अब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप easily transfer कर सकते हैं एक head से दूसरे head में अपना amount. This is a very big relief. आपको क्या लगता है, क्या आपके लिए ये news अच्छी है? और ये taxpayers के action की वजह से ही होता है. Taxpayers अपनी बात जब गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तभी इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं. तो सीजीएसटी रूल्स में रूल 87 में सब रूल 13 इंसर्ट हो रहा है, उसके साथ ही जीएसटी पीएमटी 09 आएगा और जल्द ही हमें इसका इफेक्टिव डेट नोटिफाई कर दिया जाएगा. आपको कैसी लगी है न्यूज कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा. येस लिख दीजिएगा अगर अच्छी लगी है, नो लिख दीजिएगा अगर कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. साथ ही जीएसटी की बहुत सारी डेट्स हमारे साथ शेयर हो गई हैं और उसकी वीडियो जल्दी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. बाय बाय. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है.